जिस अयोध्या के विकास के दावे को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, उस विकास की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। अयोध्या जाने वाले रामपथ पर कई जगह गड्ढे हो गए, सड़कें धस गईं, हालात ऐसे हो गए कि लोगों को आने जाने में भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। आज सुबह हुई बारिश के चलते राम मंदिर से महज 500 मीटर दूरी पर जलभराव हो गया है। रामपथ निर्माण में लापरवाही को लेकर सरकार ने गंभीरता से एक्शन लिया है। जल निगम और पीडब्ल्यूडी के जिन 6 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, जल निगम के जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे, असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, असिस्टेंट इंजीनियर अनुज और एक जूनियर इंजीनियर शामिल है। अयोध्या का ये जलवानपुरा इलाका है और यहाँ आज जो सुबह बारिश हुई है उसकी वजह से इतना पानी हो गया है कि लोग घरों के अंदर फंस गए हैं। जो अंदर हैं, आपको दूर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, घरों के अंदर पानी भर गया है, कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या क्या हालात है मैम? बहुत बुद्धर हालात है, बहुत ही बेकार। आप देख सकती हैं लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी, मेरा भी घर है यहाँ 5 फीट पानी है और आप देख सकती हैं दुर्दशा क्या है। और यहाँ के जो उच्च अधिकारी भी हैं इस विषय पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा और ये विषय कोई नया भी नहीं है, बहुत पुराना विषय है। और यहाँ आप जाने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का जो केंद्र बना है, अगर ऐसा प्रभु श्री राम से मुश्किल 500 मीटर की दूरी पे है ये स्थिति, आप सोच सकते हैं कि क्या दुर्दशा है। आपका नाम क्या? रामी शर्मा। आपका घर कहाँ पर है? बगल में है। कैसी हालत है पानी? ये पानी भर गया है, इतना घर में पानी भर गया। आज सुबह जो बारिश हुई उसकी वजह से फिर से पानी आ गया? हाँ, इसके पहले भी भरा हुआ था तो 2 दिन बरस पानी बंद हो गया था तो कम हो गया था, आज बारिश हुआ फिर भर गया। घर का सामान वगैरह क्या किया? सामान सब तकत पे रख दिए हैं, ऊंचाई पे थोड़ा रख दिए हैं अपना, और बाकी अब पानी में हम लोग हल्के आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देखिए।